अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा शरबत आलू बुखारे और इमली का। इसको मैंने हम वजन ले लिए, बिल्कुल बराबर सा ले लेना है और इसको रात भर के लिए भिगो देना है। और ये जिगर के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है, आपके हाजमे के लिए अच्छा है और एक एनर्जी का काम करेगा। तो इसको हम ओवर नाइट के लिए भिगो देंगे। भिगोने के बाद इस तरह से इसके सीड्स अलग कर लेंगे। थोड़ा मेहनत का काम है मगर शरबत बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही मज़ेदार। सीड्स अलग करने के बाद इस तरह की शक्ल आ जाएगी। इसको एक पैन में शिफ्ट करेंगे और इसको पका लेंगे। इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी चीनी ऐड करेंगे। इसको इसे दो उबाल आएंगे और हमारा बेहतरीन सा शरबत होममेड तैयार हो जाएगा और बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने बनाया, मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद आया। इस तरह देखिए गाढ़ा हो गया, तो थोड़ी देर पकाया, ज़्यादा देर नहीं पकाया। इसको ठंडा कर लेंगे। वापस से मैं इसको उसी बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। अब आप इसे मज़ीद पानी ऐड कर लेना है, बर्फ़ ऐड कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें तुख मलंगा या चिया सीड भी ऐड कर लें, लेकिन ये अपने मज़े में यूँ ही बहुत आला है। गाढ़ा गाढ़ा सा बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप चाहें तो इसमें और शरबत ऐड कर दें, अगर आपकी पानी ऐड कर दें, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।